नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे हैं और आई एम वेरी मच सॉरी। वेलकम इंडियन आइडल सीजन 13 से जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हुई हैं वो हुई हैं अनुष्का, और अनुष्का के शो के बाद एलिमिनेट होने के बाद ही वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, और इस लाइव में उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया इस शो के बारे में, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप रियलिटी शो से रिलेटेड अपडेट चाहते हो तो। अगर हम बात करें तो इंडियन आइडल सीजन 13 का जो 5th एलिमिनेशन हुआ उसमें अनुष्का एलिमिनेट हुई, और एलिमिनेट होने के बाद अनुष्का ने ये कहा कि ये जो शो था उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था और जितने भी जजेस और कंटेस्टेंट थे सारे लोगों ने उन्हें भरपूर सपोर्ट किया, पर उन्होंने ये भी बताया कि वो अभी चाहती नहीं थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि वो अभी एलिमिनेट हो जाएगी इस शो में, उन्हें लग रहा था कि वो थोड़ा और आगे तक जाएंगी इस शो में। लेकिन उन्होंने ये भी रीजन बताया कि वो एलिमिनेट क्यों हुई, उन्होंने ये बताया कि उनके एलिमिनेशन के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि जज भी ये चाहते थे कि वो एलिमिनेट ना हो, जजेस ने भी उन्हें अच्छे मार्क्स दिए थे और अप्रिशिएट किया था, लेकिन उनके एलिमिनेशन के पीछे जो मेन वजह है वो है वोटिंग। अगर हम वोटिंग के नंबर की बात करें तो उन्हें बहुत लिमिटेड नंबर में वोट्स मिलते हुए आ रहे थे, जिसके वजह से वो एलिमिनेट हुई इस शो से, और इसी की वजह से अनुष्का को थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि पब्लिक ने उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया, उन्हें उतनी वोटिंग नहीं दी। वेल, अनुष्का अच्छी सिंगर तो थी तभी वो इंडियन आइडल सीजन 13 का हिस्सा बन पाई, पर ये भी कहीं ना कहीं बहुत सैड है कि उन्हें ये शो से एलिमिनेट होना पड़ा। तो आपके क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप ये जरूर बताना कि क्या अनुष्का का एलिमिनेशन सही था या नहीं, और आप इसी तरीके से रियलिटी शो से रिलेटेड अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।